सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज अपन स्विंग ट्रेड देखेंगे इस हफ्ते के लिए और अगले वीक के लिए भी, जो कि आपको फ़ायदेमंद हो सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम निफ्टी। और अगर आप पहली बार अगर चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और स्विंग ट्रेड्स अच्छे अच्छे लेके आऊँ। सो कीप दिस, सो बने रहिए वीडियो पे। सो फर्स्ट देखते हैं निफ्टी। लेट्स सी निफ्टी, निफ्टी ने क्या किया। आज एक्सपायरी थी 20 अक्टूबर। निफ्टी ने क्या किया, निफ्टी ओपन हुआ 17,400। अभी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर अपन आए तो यहाँ पे ओपन हुआ 17,400 की जो लेवल थी, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। यहाँ पे पी सेलर्स सेलर्स बहुत ज़्यादा है, सो इस लेवल पे सस्टेन कर रहा था। तो इस बॉक्स को, इस 17,500 की रेंज, इस रेंज को ये ब्रेक नहीं कर रहा था, तो फर्स्ट हाफ में इसने ब्रेक कर दिया, फॉल्स ब्रेकआउट दे के फिर से इसी बॉक्स में क्या अंडर आया, बाद में ब्रेक करके फिर से नीचे आया, बाद में ब्रेकआउट दिया, लास्ट के टाइम फ्रेम, लास्ट के मार्केट एंड होते होते उसको ब्रेक करते हुए ऊपर की ओर गया। सो अभी निफ्टी जो है वो 17,600 के ऊपर ही बाय के लिए अपन सोच सकते हैं, उसके पहले अपन स्ट्रांग बाय के लिए नहीं सोच सकते। और सेलिंग के लिए, अगर सेलिंग के अगर 17,400 के नीचे अगर चला जाता है, सो वहाँ से अपन सेलिंग के लिए निफ्टी सोच सकते हैं। तो फर्स्ट स्टॉक लेट्स सी बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, बैंक निफ्टी ने आज टोटली साइडवेज था, गैप डाउन ओपन होगा, यहाँ से 40,200 से लेकर नीचे तक आया, यहाँ पे इसको सपोर्ट है 39,800 का, ये सपोर्ट है, ये गैप फिल किया इसने और यहीं पे इसी रेंज में कंसल्ट हो रहा है। निफ्टी भी, बैंक निफ्टी भी अगर 40,500 के ऊपर ही ट्रेंडिंग में रह सकता है, क्योंकि ये अभी साइडवेज है। फिलहाल तो 2-3 दिनों से एक ही रेंज में कंसल्ट कर रहा है, कोई ट्रेंडिंग मोमेंटम नहीं है। सो अपसाइड के अपसाइड में बैंक निफ्टी जो है 40,500 के अबो, और डाउन साइड में ये भी इसका एक गैप पेंडिंग है फिल करने का। सो ये अगर गैप फिल कर देता है तो नीचे की साइड भी बैंक निफ्टी आ सकता है। सो लेट्स सी आवर स्टॉक्स। फर्स्ट स्टॉक इज कैनरा बैंक। कैनरा बैंक क्या कर रहा है, कैनरा बैंक ये यहाँ से मैंने एक इस रेंज को फॉलो कर रहा था, ये बॉक्स इसी रेंज में बहुत दिन तक कंसल्ट किया, इसका ब्रेकआउट दिया और सीधा भी ऊपर की ओर जा रहा है। यहाँ पे इसने बहुत बड़ी कैंडल बनाई आज के टाइम फ्रेम पर, ब्रेक कर दिया है। अगर मंथली टाइम फ्रेम पर देखें तो इसने अभी स्विंग हाई इसका ब्रेक कर दिया, ऑल टाइम हाई नहीं ब्रेक किया, लेकिन अगर स्विंग हाई ब्रेक कर दिया और अभी ये अपसाइड की तरफ जा सकता है। सो ये स्टॉक आपके लिए स्विंग ट्रेड के लिए बहुत सही रह सकता है। सो कीप द स्टॉक इन योर वॉच लिस्ट। RCF अगेन, RCF क्या कर रहा है, डबल बॉटम पैटर्न बनाया, सिंपल डबल बॉटम पैटर्न बनाया, लेकिन जब तक ये इसका स्विंग, ये डबल बॉटम का स्विंग हाई, इसका हाई क्रॉस नहीं करता, 100 इज राउंड लेवल फॉर इट। सो जब तक ये इसका ये भी हाई क्रॉस नहीं करता, तब तक अपन होल्ड कर सकते हैं RCF को। सो ये आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हो। बाद में एक IRB नाम का स्टॉक है, जिसने क्या किया, ये नीचे आया था, यहाँ से ये बहुत बड़ी इसने कैंडल बनाई, ब्रेकआउट दिया, अभी कंसोलिडेट कर रहा है। अगर इसका रेंज का ब्रेकआउट दे देता है या फिर ये स्विंग का ब्रेकआउट दे देता है, तो दिस विल बी आल्सो गुड फॉर स्विंग एज वेल एज फॉर इंट्राडे। सो नेक्स्ट वन इज मनप्पुरम। मनप्पुरम क्या कर रहा है, मनप्पुरम बहुत दिनों से एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ पैटर्न इसने बनाया, ये देखिए, यू कैन सी इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ पैटर्न इसने बनाया। अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम पर अपन आए तो यहाँ से अच्छा दिख सकता है। सो एक काइंड ऑफ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया है इसने। सो इसका ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। सो अगेन ये स्टॉक भी अच्छा रह सकता है स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से। अगर इसका स्विंग का इस रेंज का अगर ब्रेकआउट दे देता है, तो दिस विल बी ऑल्सो गुड स्टॉक फॉर इंट्राडे। और निफ्टी फिफ्टी अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करते हो, तो ऑप्शन के लिए एक अदानी एंटरप्राइज ने बहुत बढ़िया एक रेंज ब्रेकआउट दिया है। यहाँ पे ये बहुत दिनों से कंसोलिडेट कर रहा था, एक तो इसका ब्रेकडाउन दे देता था, नहीं तो यहाँ से ये अपसाइड के तरफ जा सकता था। तो अभी इसने क्या किया, ब्रेकडाउन ना देते हुए अपसाइड की तरफ जा रहा है। सो अगेन ये स्टॉक का अगर डे का हाई ब्रेक कर देता है तो अपन एंट्री ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा हाई क्वांटिटी में मत लेना, क्योंकि स्विंग का बिहेवियर क्या होता है, स्विंग कभी भी आप अप ट्रेंड के स्टॉक को परफॉर्म करो। जब भी स्टॉक अप ट्रेंड में होता है, जैसे कि ये है हायर हाई लोअर लो, हायर हाई लोअर लो, हायर हाई लोअर लो, तो जब ये हायर हाई, इसका सेकंड हाई, अगर इसका जो प्रीवियस हाई जब तक ब्रेक नहीं करता, तब तक अपने को होल्ड करना रहता है। लेकिन अगर कोई भी स्टॉक आप ये ऐसा डाउन ट्रेंड में अगर इसका बुलिश कैंडल बनाती है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कम होती है अपसाइड जाने की।
एज पर द प्राइस एक्शन। सो अगर इसका डे का हाई अगर ब्रेक कर देता है तो दिस विल बी ऑल्सो फॉर इंट्राडे एंड ऑल्सो फॉर स्विंग ट्रेड। सो आई होप दिस स्टॉक मैंने जो भी बताया वो आपको पसंद आए होंगे। सो आई नीड योर सपोर्ट गाइज। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, इफ़ यू वॉन्ट मोर स्टॉक्स फॉर स्विंग ट्रेड, सो सब्सक्राइब अवर चैनल @ Bulls Cartel। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।